वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड टुडे यू आर सो एक्साइटेड फॉर स्टडिंग समथिंग न्यू इन आवर टॉपिक. सो टुडे आई एम गोइंग टू टेक इन सेवेंथ स्टैंडर्ड चैप्टर 6. सो इन पार्ट 1 वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ the during the medieval age, the literature, okay, administrative system during the Rajput age, okay, so and the scriptures we have seen in a part 1. So today in the same chapter we are going to study about the architecture, okay, the architecture of the among the various constructions during the Rajput age, temple constructed in Northwarti, the Rajput king were fond of constructing grand and artistic buildings. राजपूत एज के समय में जो राजा थे वो क्या होता था, उन्हें बहुत ही मज़ा आता था, बहुत ही वो शौकीन थे मंदिर बनाना, आर्किटेक्ट बनाना, बिल्डिंग्स बनाना. द आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर ऑफ दैट टाइम इज एविडेंट फ्रॉम द टेम्पल, फोर्ट्स, पैलेसेस, लेक एट्सेट्रा. और जो उन्होंने कंस्ट्रक्ट किए हैं कई सारे टेम्पल बिल्डिंग्स, आज भी वो एक एविडेंट है, एक सबूत है उस राजपूत एज का, एक मिसाल है. ओके, सो एमोंग द टेम्पल्स खजुराहो इन मध्य प्रदेश एंड द पुरी टेम्पल ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ आर फेमस फॉर देयर आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर. हियर पिक्चर इट इज गिवन स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ तंजावुर टेम्पल वेर डेवलप्ड, वेर आर्किटेक्ट बाय द राजपूत एज. द सन टेम्पल वेर ऑल्सो आर्किटेक्ट बाय द राजपूत एज. अजंता एलोरा केव्स, मीनाक्षी टेम्पल, दिस ऑल were created, were architected by the Rajput king, were constructed. He was fond of to making these temples, buildings and all things. Okay. The Sun Temple of Konark was also built during that time. The Konark Temple was constructed with great finesse and was shaped like a chariot driven by 7 horses. Among the other sun temple of India, the Martand Temple of Kashmir and the Modera Sun Temple of Gujarat are famous. And the other also, the sun temple and the मार्तंड टेम्पल ऑफ कश्मीर, ये भी जो है काफ़ी फेमस थे. अ प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द मोडेरा टेम्पल इज द फर्स्ट रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द आइडल. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कहते हैं, जो सेंटर से जो पास होता है वो, उसकी जो पहली किरण होती है वो मोडेरा टेम्पल पे जो है गिरती है. लेट सी द मोडेरा टेम्पल of the Konark in Gujarat. Student, this is the Sun Temple which is situated in the Gujarat, Modera. The Ellora Caves of the Deccan have caves representing three religions, Hinduism, Buddhism and Jainism. And students, जो Ellora की जो गुफाएं हैं वहाँ पर तीन religions का जो है एक माना जाता है, जैसे हिंदुइज्म है, बुद्धिज्म है और जैनिज्म.
One among these is the Grand Kailas Temple. The Elephanta Caves near Mumbai have a beautiful three-faced sculpture of Lord Shiva. और दूसरा क्या है ब्यूटीफुल थिंग के थ्री फेस स्कल्पचर है लॉर्ड शिवा का. द मीनाक्षी टेम्पल एट मदुराई इज फेमस ऑल ओवर इंडिया. और मीनाक्षी टेम्पल जो है बहुत ही फेमस है ऑल ओवर इंडिया में. लेट अस सी द एलोरा केव्स. हियर यू कैन सी द अजंता एलोरा केव्स. इट इज सिचुएटेड नियर द मुंबई इन महाराष्ट्र. द मीनाक्षी टेम्पल विच इज वेरी फेमस फॉर दैट. द टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया आर एस एक्सपेशली वेल नोन फॉर देयर इम्पोजिंग गेटवेज कॉल्ड गोपुरमस. आफ्टर हियरिंग अबाउट द फेम ऑफ सच ग्रैंड टेम्पल्स मैनी फॉरेन इन्वेडर्स केम टू लूट दैम. द मैग्निफिकेंट सोमनाथ टेम्पल ऑफ गुजरात वॉज अटैक्ड मैनी टाइम्स. और जो है फॉरेनर्स जो फॉरेन थे वो इस तरह से जो है लूट मचाते थे. और जो है हमारे गुजरात में जो सोमनाथ टेम्पल है वहाँ पे भी उन्होंने कई बार अटैक किया है. ओके नाउ स्टूडेंट मोहम्मद गजनी वो एक राजपूत एज के वेल नोन वेलर ने जो है सेक्रीफाइस किया था. ओके गजनी का क्या क्या उन्होंने अपने अंडर में किया था जैसे कि पेशावर है काश्मीर नागौट देन मुल्तान अजमेर पाटन ये सारे जो स्टेट थे उन्होंने अपने अंडर में लिए थे. ओके सो नाउ लेट अस मोर स्टडी अबाउट द मोहम्मद गजनी. Though the Rajput age is well known for its valor and sacrifice, it also saw the construction of many beautiful and imposing buildings. Many foreign invaders invaded India during this period. Okay, Muhammad Ghazni, the Sultan of Ghazna, attacked India many times between 1000 CE and 1025 to 26 CE in spite of facing problems during the attack. किस जगह पे अटैक किया था और अपने जो है अंडर में लिया था. सो हियर द मैप इट इज गिवन रूट कैसे कहाँ वो किस रूट से कहाँ गए थे और अपने फोर्स से कैसे अपने अंडर में लिया था. सो the continued to plunder India with full force during one such attack when Gujarat was under Bhimdev Solanki rule. He plundered Somnath. Many people from Saurashtra and Gujarat joined Bhimdev Solanki and tried to protect Somnath, but they all were failed. गुजरात को ज्वाइन किया था और भीमदेव सोलंकी को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे सोमनाथ को प्रोटेक्ट करने के लिए गए थे बट अनफॉर्चुनेटली वो फेल हो गए थे. ओके नाउ द अनदर पॉइंट चेंज ऑफ पावर एट दिल्ली. हाउ द पृथ्वीराज सोलंकी का जो है रूल चला था. हियर You can see the image of Prithviraj Solanki. Okay, after Ghazni, how they were started, how they were ruled over the India, and how many years they were in India. Let us study some more. After the demise of Muhammad Ghazni, the leaders of Ghazna started yearning for the throne. However, the Rajput kings did not take advantage of this weakness. जो है नहीं लेना राजपूत जो है वो जो राजपूत किंग थे
वो उसका फायदा नहीं लेना चाहते थे, किसका, इनकी कमजोरी का, वीकनेस था, वीकनेस था। सो मीनवाइल सहाबुद्दीन गौरी एस्टाब्लिश हिज स्ट्रॉन्ग रूल इन गजना एंड डिसाइडेड टू अटैक इंडिया। बट मीनवाइल सहाबुद्दीन गौरी, उन्होंने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग रूल एस्टाब्लिश किया इन गजना और डिसाइड किया कि इंडिया पे अटैक करना। सो हिज इनिशन वॉज नॉट टू लूट बट एस्टाब्लिश हिज रूल हियर। उनका क्या था, वो लूटना नहीं चाहते थे, उनका मकसद था रूल करना। सो इनिशियली ही वॉज नॉट सक्सेसफुल, ही कुड नॉट फॉरगेट हिज डिफीट बाय क्वीन नायक देवी ऑफ अनहीरवाड पाटन एंड देयरफॉर डिड नॉट अटैक इंडिया फॉर 12 years। सो फाइनली द सेकेंड टाइम ही अटैक दिल्ली। सो ही कुड नॉट फॉरगेट, वो फॉरगेट नहीं कर पाए उनका जो है डिफीट हुआ था बाय क्वीन नायका देवी से ऑफ पाटन, जो क्वीन थी पाटन की। सो देयरफॉर उन्होंने 12 साल तक अटैक नहीं किया, बट द सेकेंड टाइम ही अटैक वेयर इन दिल्ली। पृथ्वीराज फॉट ब्रेवली बट विदाउट एनी प्रियर प्रिपरेशन और हेल्प फ्रॉम द अदर राजपूत किंग्स। सो विथ हिज डिफीट द राजपूत रूल केम टू एन एंड इन दिल्ली। एज अ रिजल्ट सहाबुद्दीन एस्टाब्लिश्ड हिज रूल देयर एंड एक्सटेंडेड हिज किंगडम। और अनफॉर्चुनेटली जो राजपूत किंग्स थे, किंग थे, उन्होंने डिफीट किया विदाउट एनी हेल्प, किसी की हेल्प किए बिना। और अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, सहाबुद्दीन ने जो है वहाँ पे किंगडम को एस्टाब्लिश किया। सो आफ्टर सहाबुद्दीन हिज सेल स्लेव हु वॉज ऑल्सो हिज कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक, सहाबुद्दीन के जो है स्लेव थे, जो कमांडर थे, कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने एसेंडेड द थ्रोन। ही वॉज नोन एज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डिनास्टी। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो माने गए डिनास्टी के स्लेव तरीके। सो विथ दिस राजपूत रूल केम टू एन एंड टू द दिल्ली। सो देयर वॉज अ चेंज इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी दैट किंग ऑफ चेंज टुक प्लेस। और जो है राजा बदले गए, एंड वाई। सो थिंक अबाउट क्वेश्चंस लाइक दिस। और एक क्वेश्चन आता है दैट कि व्हाट काइंड ऑफ चेंज टुक प्लेस। अब उस समय जो सहाबुद्दीन और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो अपना सल्तनत वहाँ पे एस्टाब्लिश किया था, क्या चेंज किया था और क्यों किया था, ये एक सवाल आता है। सो इन प्लेस ऑफ वेलोर एंड सेक्रीफाइस पीपल स्टार्टेड स्प्रिंग अगेंस्ट ईच अदर फॉर पावर। और लोगों में जो है स्टार्टेड सेक्रीफाइस और कुछ लड़ाई होने लगी पावर के लिए। सो द थ्रोन ऑफ दिल्ली वॉज स्टेन्ड विथ ब्लड। और इस तरह से जो है थ्रोन दिल्ली का स्टेन्ड हो गया था ब्लड में। ओके, सो दिस वॉज टूडेज अवर टॉपिक, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द मिडिल एज। वी हैव स्टडीड लिटरेचर, द स्कल्पचर, द आर्किटेक्चर, द मोहम्मद गजनी, चेंज ऑफ द पावर एट दिल्ली। ओके, सो लेटर ऑन सम मोर टॉपिक वी विल स्टडी। सो जस्ट स्टे ट्यून एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।